चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत नामांकन करने के बाद झोंक दी है। वहीं आज नगर पंचायत गोपागंज से अर्चना गुप्ता ने भी अपना नामांकन भाजपा की तरफ से दाखिल किया है और विकास के मुद्दे की बात कही है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। विकास के जो भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, नाली की समस्या, उसके अलावा भी और भी मुद्दे हैं, उसको कैसे दूर करेंगे? जनता सहयोग करने के नामांकन किया आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को में उतरने से पहले उसके एजेंडे साफ होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा विकास, चाहे नगरों का विकास हो चाहे गांव का विकास हो। जब पंचायतों का चुनाव होता है तो गांव के विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं, जब नगर पंचायत का चुनाव होता है तो नगर के विकास के लिए लड़ते हैं। ऐसे विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। क्या कारण है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तभी टिकट का बंटवारा होता है और ऐसे में जो सब जो पार्टी के कार्यकर्ता उनको टिकट नहीं मिलके अन्य लोगों को टिकट मिल जाता है? नहीं, एक तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले सामाजिक समितियों का ध्यान रखती है, जीतने वाले प्रत्याशी का ध्यान रखती है, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। क्योंकि विलम्ब का एक आपने पूछा विलम्ब क्यों होता है, विलम्ब का मुख्य कारण ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है और इस नाते लोगों की राय लेने में, लोगों की राय के अनुसार चलने में, अच्छा सिलेक्शन करने में समय लगता है। इस नाते थोड़ा टिकटों का बंटवारा लेट तो जरूर होता है लेकिन सही होता है। इसी नाते आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में विद्रोही उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है। देखा जा रहा है कि जो पुराने कार्यकर्ता थे बहुत सक्रिय थे, बड़ी लगातार मेहनत करते चल रहे थे, मगर एक आकस्मिक दलित के बेटे को लाया गया है, आप लोगों ने इसके कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब सर्व समाज की पार्टी बनी है तो उसके वोट का प्रतिशत लगभग 50% तक पहुँच गया है, कहीं कहीं 52% भी भारतीय जनता पार्टी वोट पड़ी। वो केवल समाज के कुछ वर्गों को जोड़ने से नहीं होगा, इस नाते भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि लोगों को जोड़ करके समाज के जो वंचित तबके हैं उनको प्रतिनिधित्व करके, उनके बच्चों को आगे बढ़ा करके, राजनीति हो चाहे शिक्षा हो चाहे नौकरी हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सब समाज का विकास हो। इसी नाते दलित के बेटे को टिकट दिए। कहना क्या है, भारतीय जनता पार्टी जिसको लाई है उसी का सपोर्ट किया जाएगा, उसकी पूरी मदद किया जाएगा, उसको जिताने का प्रयास किया जाएगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सेना है, सेना की तरफ में उपलब्ध कर पूरी लगन से पूरी मेहनत से उनको जिताने का प्रयास किया जाएगा। और सामयिक रूप में आप सामने आए हैं, मैंने वही कहा कि हम लोग सेना है, भारतीय जनता पार्टी की सेना, वो किसी को दे दें हम लोग सीधा समझ जाएंगे।